हाय दोस्तों, नमस्ते किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के पकोड़े। मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप भिगोई हुई मूंग दाल, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम मूंग दाल, अदरक, हरी मिर्च, नमक और जीरा को मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। हमारा मिश्रण बारीक हो चुका है, अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने छिलके वाली दाल ली थी, इससे पकोड़े का टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम मध्यम आंच पर गैस रखकर उसमें तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम पकोड़े का घोल लेकर तेल में तलने के लिए डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पकोड़े तेल में तलने के लिए डालेंगे। इसी तरह से हम सारे पकोड़े डालकर तल लेंगे। यहाँ पर हमें पकोड़े को हल्का सुनहरा रंग आने तक मध्यम आंच पर तलना है। बीच बीच में हम हिलाते हुए इसे तल लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि गैस को हमें हाई फ्लेम पर या लो फ्लेम पर नहीं रखना है। गैस हाई फ्लेम पर होने से अंदर से पकोड़े अच्छे से पकेंगे नहीं, और लो फ्लेम पर होने पर पकोड़े तेल पी जाएंगे। इसी तरह से हमारे पकोड़े तलकर तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, कई जगह इस पकोड़े में प्याज डालते, कई जगह नहीं डालते, तो आपको जिस तरह से पसंद हो इस तरह से आप बना सकते हो। आप इस पकोड़े को हरी चटनी या मीठी चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम एक पकोड़े को तोड़ कर देखेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरह से पक चुका है। ऐसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।